स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक शुरू हो चुकी है और दो साल बाद हो रहे इस सम्मेलन में भारत पूरी दुनिया के सामने अपना आर्थिक रोड मैप पेश कर रहा है, चीन पर निर्भरता खत्म कर रहा है। पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत का एहसास करवाया तो पश्चिम में भी हिंदुस्तान की ही गूंज है। स्विट्जरलैंड का दावोस शहर पूरे 2.5 साल बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए तैयार है, जहां दुनिया भर के अमीर, ताकतवर और हाई प्रोफाइल लोग 26 मई तक मंथन करेंगे, जिनके लिए पीएम मोदी ने टोक्यो से खास संदेश दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार बीते 2 सालों में नुकसान पहुंचा है, पूरी सप्लाई चेन सवालिया निशान में घिरी हुई है। आज सारी दुनिया के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के आगाज के साथ ही पश्चिमी देशों में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई थी। सिरिंज, वेंटिलेटर, टेस्ट किट और जरूरी दवाओं के लिए अमेरिका में लोग तरस रहे थे। इसकी वजह चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता थी, इसलिए दुनिया ने सबक सीखते हुए चीन से दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया है। ऐसी ही बड़ी कंपनियों को भारत अपने यहाँ आने का न्योता दे रहा है। पूरी दुनिया को एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर जो जोर दे रहा है, यह भी अभूतपूर्व है। मोदी सरकार के 3-3 मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी डावोस में भारत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। भारत का वर्चस्व चारों ओर देखने को मिल रहा है। मेरे स्वयं के 3 दिन के अंदर 55 से अधिक मीटिंगें अथवा पब्लिक प्रोग्राम्स थे। भारत के प्रति जो आकर्षण है ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित भी करता है और एक तरीके से एक एंडोर्समेंट है, एक छाप लगाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल बड़े देशों में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। इस साल भारत की विकास दर सबसे अधिक 8% रहेगी। भारत विदेशी निवेशकों का भी पसंदीदा देश है। साल 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है। IMF का अनुमान है कि साल 2027 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बेहतर वैक्सीनेशन से भारत में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं।